हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द नेक्स्ट लेसन. इट इज अ पोएम. एज यू नो द नेम ऑफ द पोएम इज द एंट एंड द क्रिकेट. द एंट एंड द क्रिकेट. आई थिंक एंट एंड क्रिकेट बोथ आर इंसेक्ट्स. यू नो इन हिंदी वी कॉल एंट मीन्स चींटी एंड क्रिकेट मीन्स झिंगूर. So a fable is before reading the poem, there is given something to learn. A fable is a story often with animals as characters that conveys a moral. अर्थात the ant and cricket cricket जो कविता है, जो poem है, वो एक fable है. और fable का अर्थ होता है जब किसी जानवर को किसी चरित्र के रूप में यानी प्रस्तुत किया जाए, यानी उसकी तुलना human being के साथ किया जाए, मानवीय गुणों के साथ किया जाए, तो वो फेबल कहलाता है. द पोएम अबाउट एन एंट एंड ए क्रिकेट कॉन्टेंट्स एन आइडिया फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस व्हिच इज ए ट्रू ऑफ ए फोर लेग क्रिकेट एज ऑफ टू लेग वन. यह जो कविता है जो चींटी और झिंगूर के बारे में है, उसमें एक ऐसा विचार है जो दिखाता है कि चारों पैर वाला झिंगूर और दो पैर वाला मतलब मनुष्य के साथ कैसा समन्वता है, कैसी स्थितियाँ बनती है. Surely you have seen a cricket that has two legs. निश्चित रूप से आप लोगों ने एक झिंगूर देखा होगा जिसके दो पैर होते हैं. That is human being. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring. क्या कह रहा है? एक मूर्ख युवा झिंगूर, वह पूरे गर्मी के दिनों में और बसंत के दिनों में बसंत के दिनों में केवल गाता रहा. अर्थात वो अपने जीवन का आनंद उठाता रहा. बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. परंतु वह तब शिकायत करने लगा, अर्थात दुख व्यक्त करने लगा, जब उसने देखा कि उसके घर के अलमीरा खाली थी और ठंड का मौसम आने लगा. नॉट ए क्रम्ब टू बी फाउंड. कोई टुकड़ा नहीं था, खाने का कोई व्यवस्था नहीं थी. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, उस हिम से भरे हुए भूमि पर जहाँ वो रहता था, वो हिम से भरा हुआ था. उस समय वहाँ उसे खाने के लिए कुछ नहीं था. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. और न ही उसे कोई फूल दिखाई दे रहा था और न ही किसी पेड़ पर कोई पत्ता ही दिखाई दे रहा था. ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. तब उस झिंगूर ने कहा, ओह अब मेरा क्या होगा. At last by starvation and famine made bold, भूख और अकाल से वह साहसी होकर, उसे प्रभावित होकर, उसे दुखी होकर, उसे परेशान होकर, all dripping with wet and all trembling with cold, न भीगते हुए और ठंड से कांपते हुए, always he set off to a miserly end, वह एक कंजूस चींटी के पास पहुंचा. To see if, to keep him alive, he would grant him shelter from rain. यह जानने के लिए कि उसे जीवित रहने के लिए क्या वो उसे आश्रय, बारिश से बचने के लिए उसे आश्रय देगा. एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, और क्या मुट्ठी भर उसे अनाज देगा. He wished only to borrow, वो उसे कर्ज के रूप में लेना चाहता है. He would repay it tomorrow, और इसे वो अगले दिन चाहे उस समय बाद वो उसे वापस कर देगा. If not, he must die of starvation and sorrow. अगर वो नहीं देता है तो भूख और कष्ट से वो मर जाएगा. Says the end to the cricket. और चींटी ने झिंगूर से कहा, I am your servant and friend. मैं तुम्हारा सेवक और मित्र हूँ. But we ants never borrow, we ants never lend. चींटी ने झिंगूर से कहा, मैं तुम्हारा सेवक और मित्र हूँ. बट वी एंट्स नेवर बोरो, वी एंट्स नेवर लेंड. परंतु हम चींटियाँ न तो कर्ज लेते हैं और न ही कर्ज देते हैं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म. परंतु मुझे बताओ झिंगूर, क्या तुमने कुछ नहीं किया जब मौसम में गर्मी थी, जब मौसम ठीक था, सब कुछ ठीक था, तब क्या तुमने कुछ नहीं किया? कूट द क्रिकेट. नॉट. तब झिंगूर ने कहा नहीं. माई हार्ट वॉज सो लाइट डेट आई सिंग डे एंड नाइट.
मेरा हृदय बहुत हल्का था, मैं बहुत आनंदमय था कि मैंने दिन रात गीत गाया। फॉर ऑल नेचर लुक गे, क्योंकि सब पूरा प्रकृति ही बहुत आनंदमय नजर आ रहा था। यू सेंग सर, यू से है ना, गुड देन से दाएं। तो चींटी ने कहा, आप कहते हैं महाशय कि आपने केवल गीत गाते रहे एंड डांस द विंटर, और पूरा शीत आप नृत्य करके ही बिताना होगा। दस एंडिंग ही हैसिली लिफ्टेड द विकेट, और इस तरह से अंत करते हुए उसने तुरंत विकेट उठाया, अपना छड़ी उठाया, अपना डंडा उठाया, एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे से झिंगुर वहां से तुरंत चला गया। फॉक्स कॉल दिस ए फेबल, लोग कहते हैं कि एक फेबल है। आई विल वारंट इट ट्रू, मैं कहना चाहूंगा कि यह सच है। सम क्रिकेट्स हैव फोर लेग्स, कुछ झिंगुर के चार पैर होते हैं, एंड सम हैव टू, और कुछ के दो पैर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस पोएम, इस कविता में द पोएट वांट्स टू से दैट इट इज द ह्यूमन कैरेक्टर, ही एक्सप्रेसेस द ह्यूमन कैरेक्टर। देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड, सम आर हार्ड वर्किंग व्हाइल सम आर लेजी। द हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज थिंक्स अबाउट द फ्यूचर, एंड द लेजी पीपल आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट, दे डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर। यानी जो आलसी लोग होते हैं वो वर्तमान के समय के बारे में सोचते हैं, उसका पूरा आनंद उठाते हैं, और भविष्य के बारे में सोचते नहीं हैं। और जो कठिन परिश्रमी लोग होते हैं वह अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं, और भविष्य के लिए पहले से ही तैयार रहते हैं। यथावत यदि आप लोग भी अपने वर्तमान की स्थिति में भविष्य के बारे में न सोचें, भविष्य को सुनिश्चित न करें, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से कष्ट उठाना होगा। यह कविता इसी को दर्शाता है। थैंक्स।